इन दिस एपिसोड ऑफ दिल से हम चर्चा करेंगे कि हिंदुस्तान में विपक्ष के लिए इस लोकतंत्र में कोई जगह रही है या नहीं। ऐसा लगता है कि चाहे वो पार्लियामेंट हो या ईडी सीबीआई हो या इलेक्शन कमीशन हो या कोई गवर्नर हो, लगता है कि विपक्ष को घेरे हुए हैं और लोकतंत्र में जब तक विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं होगी तो लोकतंत्र बहाल कैसे होगा। और चुनाव के दौरान में जिस किस्म से के बयान आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी से, बाकी लोगों से, और जिस किस्म का रवैया हम इलेक्शन कमीशन का देख रहे हैं कि ऐसे बयान आते जाएं और इलेक्शन कमीशन चुप रहेगी, तो क्या विपक्ष को कोई उम्मीद है इस ढांचे में कि उनकी आवाज़ सुनाई दी जाए। पार्लियामेंट में तो सुनाई देते नहीं क्योंकि माइक बंद हो जाते हैं, वक्त नहीं मिलता बात रखने का। तो आज हमारे साथ तीन वरिष्ठ नेता हैं जो इस बारे में हम चर्चा करेंगे और उनके बयान हम उनके विचार सुनेंगे। मेरे सामने संजय सिंह जी हैं, यहाँ सांसद हैं आम आदमी पार्टी के। 2012 में मुझे याद है हम कांग्रेस में थे और आपने बड़ा भारी अभियान चलाया और उसमें आपने बड़ी भारी भूमिका निभाई और आप सत्ता में फिर आए और 2018 से आप राज्यसभा में हैं। 2023 में आप दोबारा आए राज्यसभा में, लेकिन आपको शपथ में थोड़ी देरी हो गई इसकी भी कहानी बताऊंगा आपको शपथ नहीं ले सके, लेकिन आपकी मुझे ये नहीं मालूम था कि आप डिप्लोमा होल्डर हैं माइनिंग इंजीनियरिंग में, उड़ीसा स्कूल ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग से आपने डिप्लोमा लिया, ये मुझे मालूम नहीं था। और शुरुआत से आप गरीब लोगों के साथ जुड़े रहे हैं, ब्लड बैंक्स हों और सेवा केंद्र हों, हेल्थ कैंप्स हों, आप गरीबों के लिए हमेशा करते रहे हैं। और दूसरी बात, आपने हॉकर्स के लिए कई सालों तक आप 16 साल का आपने काम किया, तो जो ज़मीनी आदमी होता है उसको पता रहता है कि संघर्ष कैसे करना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो मैं समझता हूँ कि जितनी भूमिका आपकी रही आम आदमी पार्टी में शायद ही किसी और की रही हो, तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। दाईं तरफ प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं, ये समझ लीजिए कि कहीं किसी भी टीवी में चैनल में जाओ तो हमेशा वहीं दिखती हैं और बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात रखती हैं। इनकी जो कॉमर्स में आपने डिग्री ली, कॉमर्स में आपने डिग्री ली, लेकिन पहले आप हमारे साथ थी, 2010 से हमारे साथ थी। अब तो नहीं मैं कह सकता कि मैं खुद कांग्रेस में नहीं हूँ 2010 से हमारे साथ थी और उसके बाद फिर आप यूथ कांग्रेस में आप जनरल सेक्रेटरी बनी 2012 में और फिर 2019 में आप शिवसेना से चली गई। कैसे गई उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप फिर डिप्टी लीडर बनी अपनी शिवसेना की राज्यसभा में और राज्यसभा में सब लोग आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं, शायद कोई और नहीं सुनता होगा लेकिन हम सब बाई तरफ साकेत गोखले जी, ये मुझे नहीं मालूम था कि आप चेक रिपब्लिक में आप स्कूल टीचर थे, अंग्रेजी पढ़ाते थे और फाइनेंशियल टाइम्स के आप कॉरेस्पॉन्डेंट रहे, यूरोप की, मिडिल ईस्ट की, ईस्ट एशिया की आप खबरें, उसके बाद फिर आप जब हिंदुस्तान 2012 में लौटे, 12 में जब लौटे और सेकंड यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड राज्यसभा। हाँ, लेकिन संजय जी और आपकी एक खासियत है, खासियत यह है कि वो 183 दिन जेल में रहे ईडी के द्वारा और आप 158 दिन, तो इस बात में वो आपसे आगे तो चर्चा करते हैं संजय जी, ये बताइए क्योंकि आप 183 दिन, आपके केस के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि कुछ पाबंदी कोर्ट ने भी रोका तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन जो हालात आपने देखे जेलों में और जिस किस्म की जो हमारे प्रधानमंत्री जी और जो हमारी सरकार है वो बड़ी बड़ी बातें करती हैं लेकिन असलियत हिंदुस्तान की आप लोग जानते हैं, थोड़ी असलियत बताइए जब आप जेल में थे क्या। देखिए सर, पहली बात तो ये कि सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि हमारी जेलों में 80% लोग ऐसे हैं
जो अंडर ट्रायल है, किसी का 5 साल से केस चल रहा है, किसी का 8 साल से केस चल रहा है, किसी का 10 साल से केस चल रहा है, किसी को छोटे से छोटे अपराध में 3-3, 4-4 साल जेल में है, उनकी बेल कराने वाला कोई नहीं है। तो हम लोगों से तो सवाल पूछा जाता है कि बेल क्यों नहीं मिल रही, बेल क्यों नहीं मिल रही है, उसको मीडिया लेके इशू भी बनाता है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय हमारी न्यायपालिका को भी और हमारी संसद को भी ये होनी चाहिए कि जो 80% लोग देश की जेलों में अंडर ट्रायल पड़े हुए हैं, जिनको कि न्याय नहीं मिल पाता इस वजह से कि उनके पास वकील करने के लिए, पैरवी करने के लिए कोई नहीं है। अब जो जीएन साई बाबा के साथ हुआ, 10 साल बाद एक 90% हैंडीकैप्ड व्यक्ति को आपने 10 साल के बाद न्याय दिया और कह दिया कि साहब अब इनके खिलाफ कुछ नहीं बनता, ये बहुत अजीब है। और मैं समझता हूँ कि आज आप अगर इसी तिहाड़ में जाएंगे और देखेंगे, एक व्यक्ति, एक लड़का बंद था, वो कोई बहुत छोटे सी धारा में 6 महीने से, तो मैंने कहा कि इसमें क्या हुआ था, तो उसने कहा 10,000 रुपये जुर्माना था, तो मैं जुर्माना नहीं दे पाया इसलिए मुझे जेल में डाल दिया। तो 6 महीने उसको जेल काटनी थी, तो अब 6 महीने में अगर उसको जेल में रख रही है सरकार, तो उसके ऊपर खर्च कर रही है 452 रुपये पर डे। नहीं होते इनके पास तो बड़े पैसे हैं, तो उस पे आप फिक्र नहीं, नहीं मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये कौन सा आपका कानून है, आप मुझे आपने 6 महीने जेल में रखा, आप एक बार मुझे किसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, मेरे ऊपर 10 कमांडो लगाए थे उन्होंने, पुलिस का पूरा घेरा, और ऐसे मैं कभी होमगार्ड लेके भी नहीं चला सर, लेकिन पुलिस के 10 बड़े जवान और वो सब रहते थे साथ में। और मैंने एक दिन पूछा कि भाई ये जो आप एक बार लेके जाते हैं और आते हैं, तो इसमें कितना खर्चा होता है, तो 50,000 रुपये पर डे, जब भी हमें कभी चाहे वो कोर्ट की हियरिंग के लिए लाते थे या नहीं। आप तो इम्पोर्टेंट आदमी हो ना, मैं आपसे जो सवाल जो पूछना चाहता हूँ कि ईडी आजकल सबके ऊपर हावी है, और ईडी का कैसे दुरुपयोग हो रहा है, या बता सकते हैं हम? ईडी का सर भयंकर दुरुपयोग हो रहा है, एक नहीं अनेक इसके उदाहरण हैं। पहली बात तो उनका रिकॉर्ड खुद बोल रहा है कि 6,000 केसेस उन्होंने किए, जिसमें से 0.5% लोगों को वो आरोप सिद्ध कर पाए, और उनका कन्विक्शन रेट है 0.5%। दूसरी चीज़, जैसे लोगों के खिलाफ केस बनाते हैं और जिस तरह का केस बनाते हैं, उस पर आप सिर्फ हंसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तमिलनाडु के 2 किसान जिनके खाते में 400 रुपये था, बीजेपी के लीडर की शिकायत पे उनके खिलाफ ईडी जांच कर रही है। राजस्थान में जांच कर रही है, पैसे मांग रही है, पकड़े जा रहे हैं। आरोप 400 रुपये का, 400 रुपये का सर, 400 ईडी आ गई। कोई जमीन की शिकायत को लेके ऐसे किसान के ऊपर ईडी आ गई, ऐसे किसान की इन्वेस्टिगेशन करने लगी जिसके खाते में 400 रुपये थे, और उसका कोई जमीन का छोटा सा टुकड़ा था जिसका विवाद किसी बीजेपी लीडर से था, उसने शिकायत कर दी। ये तमिलनाडु का केस है। आपके खिलाफ तो जो 500 रुपये का, 500-100 रुपये ज्यादा आपको ईडी ने 500 रुपये में आपको 500 रुपये में कितने साल कितने महीने अंदर रखा? 6 महीने अंदर रखा। 6 महीने 500 रुपये मनी लॉन्ड्रिंग का केस। क्या केस था? केस था कि हमने क्राउड फंडिंग किया था जब मैं एक्टिविस्ट था, उसमें से 6 साल बाद एक गवर्नमेंट सर्वेंट ने जाके कंप्लेंट किया कि मेरी वाइफ ने 500 रुपीज दिए थे, और साकेत गोखले को अभी हाल ही में एक ट्वीट के लिए अरेस्ट किया, तो वो एंटी नेशनल हैं और माय वाइफ फील्स चीटेड। ये 500 रुपीज का चीटिंग का केस किया, और उसके ऊपर 500 रुपये का प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया। अच्छा, 500 रुपीज का केस है। और फिर क्या करते थे, आपको जेल ले जाते थे? तो मुझे पहले तो अरेस्ट करके जुडिशियल कस्टडी में डाल दिया 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को तो पहले ट्वीट के 2023 में, 23 में, ठीक है ना, 6 को अरेस्ट किया। आपको बेल मिली? 8 को बेल मिली, तो कोर्ट के बाहर दूसरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस आके वहां से उठा लेके गई। अच्छा, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का एक ट्वीट के लिए एक और केस कर दिया। अच्छा, वहां से बेल मिला 2 दिन बाद। उसके बाद मैं दिल्ली आया, 10 दिन बाद गुजरात पुलिस आके फिर से अहमदाबाद लेके गई, और ये चीटिंग का हमारे ऊपर केस किया। और उसके बाद जुडिशियल कस्टडी होने के बाद 5 जनवरी को ईडी आती है जेल में और कहती है ये आपका समन्स है।
तो मैंने कहा मुझे समन्स नहीं, मैं नहीं कहूँगा क्वेश्चनिंग के लिए। अब जेल में है, मना करने की परमिशन होती है। दो दिन क्वेश्चनिंग किया, फिर कोर्ट में ले गए। और सर ईडी का आपको बता, आपने तो देखा होगा एक टेम्पलेट है कि क्वेश्चनिंग करने के 3 दिन बाद आप सब स्टेटमेंट्स, आप वहां पे जवाब सब सवालों का देते हो, वहां लिख देते ही वॉज इवेजिव एंड मिसलीडिंग ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग। सर व्हाट इज शॉकिंग इज आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई जजेस डोंट सी द एक्चुअल स्टेटमेंट वेदर अ पर्सन इज बीइंग मिसलीडिंग। मैं तो कई बार बोला कि आपको देखनी चाहिए कि दे डोंट, आई हैव गिवन ऑल द आंसर्स, आई हैव नॉट बीन मिसलीडिंग और इवेजिव, बट उस बात पे अरेस्ट करके कस्टडी में लेके पीएमएलए का केस करा के फिर जुडिशियल कस्टडी। तो इतने दिन आपको रखा, तो आपके से क्या सवाल पूछते थे? कुछ नहीं सर, वहाँ पे क्वेश्चनिंग जो होता था तो वो क्वेश्चनिंग टेक्निकली चलता है 8 घंटे, बट दैट्स बिकॉज उनके टाइपिस्ट बड़े इनकम्पिटेंट होते हैं। तो आपसे सवाल पूछेंगे, आप बोलोगे, वो टाइप करते जाएंगे, फिर डिलीट। लेकिन कोई सवाल नहीं, एक सवाल तो था क्या ये आपका ईमेल एड्रेस है, ये ईमेल एड्रेस आपके पास कितने सालों से है, आप जोमेटो से खाना मंगाते हो, आपका फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा, ऐसे सवाल पूछे गए सर। तो अच्छा भाई, उनको जानकारी चाहिए आपको, आपको कौन सा कहां से क्योंकि हमारे इसमें कोई एसेट, हाँ। क्या आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, और तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, आप सांसद हो वो बाद में बने, कम से कम आम नहीं खाए थे सर हमने, वो अच्छी बात है। आपको टॉर्चर भी किया उन्होंने? किया सर, पहले 15 दिन तो आते थे कुछ लोग और कहते थे कि आप रूलिंग पार्टी से सेटल कर लो, आपको एक एक्स अमाउंट दी जाएगी आपका। कौन लोग थे वो? हाँ, कौन लोग थे जो आते? सर गुजरात पुलिस के लोग थे। ओ, एंड एक कोई तो उनके साथ लॉयर होता था, तो वो आते थे, कहते आप सेटल कर लो, आपको 3 दिन में बेल मिल जाएगी, आपको एक 20 करोड़ दे देंगे। अच्छा। और आपको नेशनल स्पोक्स पर्सन बना देंगे। आई वॉज तृणमूल का नेशनल स्पोक्स पर्सन तभी, सो आई रिफ्यूज। 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, फिर आफ्टर 15 डेज आई गॉट टायर्ड। ऐसे आप आते हो, एक अच्छा होता है आप, वो आते थे जेल में खाने की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो बिस्किट लेके आते थे। बट देन ऐसे देखिए, मैं इतना सस्ता नहीं हूँ, मैं तो नहीं करने वाला, आपको जो करना है कीजिए। तो उसके बाद फिर 15 दिन पोल से ऐसे हैंडकफ से बांध के रखते थे, हैंडकफ से बांध के रखते थे और स्टिक से मारते थे जब तक आप वहाँ पे हीट में पास आउट ना हो जाए। पास आउट हुए? 2 बार हुआ था सर, एंड आई हैड अ हार्ट कंडीशन ऑलरेडी। तो आपने जज को नहीं बताया ये बात? कोई पूछता नहीं है सर, वहाँ पे हमें FIR नहीं मिली थी, अरेस्ट किया, जज को कहा, जज कहते आपके वकील को बोलो डाउनलोड कर ले इंटरनेट से। सो अरेस्ट किया, तब FIR की कॉपी भी नहीं दी थी हमें। तो उसके बाद में सर फिर एक सेल में रखते थे, खाना नहीं देते थे 2 दिन, अचानक पानी का सप्लाई बंद कर दे। कैन यू इमेजिन प्रियंका जी के क्या हो रहा है इस देश में? आई नो, इवन संजय राउत जी, ही वाज पुट बिहाइंड बार्स, एंड इफ यू रिमेम्बर हिज जजमेंट व्हेन ही गॉट द बेल, It said a civil case was turned into a criminal case to, you know, get him behind bars. And he was also treated, he fought this out, but even then as a member of parliament, and when I tried to raise this issue with the chair at that time, I think it was Venkaiah Naidu ji, with all due respect to him, I was not allowed to raise the issue. So I think it is just so unfair that today we, as opposition, just because we're raising our voice against the government, and that is part of our democracy. If democracy has given the mandate to the government, it has given us a mandate to oppose wherever they're going wrong, wherever they're faltering. It's a duty, it's a responsibility given by the mandate of the people. And for you to behave in such an autocratic fashion that anything that you speak and if you do anything against the will and wishes of the Prime Minister. So, लोग डरे भी हुए हैं, कई लोग तो डरते भी हैं ना, नहीं जाना चाहते जेल, बोले ठीक है हम आपको ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ, जो डर गया सो मर गया, उस तरफ गया, नहीं मरा नहीं, बाहर उस तरफ गया, वो बच गया, पर करियर तो मर गया, मरा कुछ समय बाद मर जाएगा, तो मंत्री भी बन सकता है और हाँ, बट अगेन पर आप अपने कॉन्शियंस से कैसे, मिला भी होगा कुछ मिल भी सकता है, कॉन्शियंस से तो संपत्ति भी मिली, कितना कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, कितना कॉन्शियंस से कॉम्प्रोमाइज करेंगे जनता की नजर इस राज, देखो लोकतंत्र में हमें तो कॉन्शियंस कोई दिखती नहीं। हाँ, ये भी है। आपको दिखती है महाराष्ट्र में? आपकी तो सरकार देखो कैसी सरकार गिराई उन्होंने। हाँ, एंड यू आर फाइटिंग अ केस, वो तो अलग बात, बट यू आई मीन इन द सेंस यू नो एग्जैक्टली द निटी-ग्रिटी कि किस तरीके से एक सुनियोजित कार्यक्रम, क्या रास्ता निकले आपके ख्याल में? अब विपक्ष के लिए क्या रास्ता है? पार्लियामेंट में आप बोल नहीं सकते। सरकारें गिनी चुनी गिरा देते हैं जो इलेक्टेड सरकारें हैं, ईडी का दुरुपयोग करते हैं, और कोर्ट राहत नहीं देती, तो रास्ता क्या है आप बताइए। देखिए सर, पहली बात तो ये जो आपने कहा कि लोग डर के चले जाते हैं तो मंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन आपको इतिहास 2 तरीके से याद करता है सर, कायर के रूप में और बहादुर के रूप में।
तो ये आपके हाथ में होता है कि आप क्या चाहते हैं कि आपको कैसे याद किया जाए, और ये फैसला आपको उस वक्त लेना होता है जब आपको जेल का डर दिखाया जाता है, FIR का डर दिखाया जाता है। तो बहुत सारे लोग टूटते भी हैं, लेकिन आज भी हम लोग हिटलर के सभा की उसी तस्वीर को दिखाते हैं जिसमें एक आदमी उसके अभिवादन में हाथ नहीं उठाता और ऐसे खड़ा है। तो हम लोगों को वो भूमिका तय करनी पड़ेगी। दूसरी बात, इस समय लड़ने के अलावा तो कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं। आप देखिए, पूरी की पूरी मीडिया, जिस दिन आप अरेस्ट होते हैं, जिस दिन आपके खिलाफ़ FIR होती है, कोई भी खबर आपके खिलाफ़ प्लांट की जाती है। दुनिया भर के भ्रष्टाचार के आरोप, बिना सिर पैर के भ्रष्टाचार के आरोप आपके ऊपर लगाए जाते हैं, जिससे आपकी फैमिली टूटती है, आपके चाहने वाले उनको तकलीफ़ होती है, जो नहीं जानते होते हैं वो यकीन करने लगते हैं कि हो सकता है इसमें कुछ बड़ा घोटाला हो, गड़बड़ी की हो। जेल में आपको इस तरह से यातना, आपकी सारी रेपुटेशन, सारी रेपुटेशन खत्म हो जाती है। आपको 10 साल के बाद भी मान लीजिए छोड़ दिया, तो 10 साल आपकी जिंदगी का तो उन्होंने कैद कर लिया, 10 साल तो आपको उन्होंने यातना दी। मैं जेल के अंदर गया तो 4 दिन तक बाथरूम में CCTV लगा हुआ था। माय गॉड। और जब मैं अपने वकील से मिलने, वकील से मुलाकात होती थी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के ऑफिस में, तो वहाँ पे उन्होंने CCTV में हमारा कैमरा, हमारा जो रूम था वो कैमरा जो है लगा रखा था उन्होंने, उसको देखते थे TV के ऊपर। तो मैंने कहा TV स्क्रीन पे, मैंने कहा भाई इसको जूम कीजिए, तो किया तो मैंने देखा बाथरूम दिख रहा है मेरा। मैंने कहा ये हमारा बाथरूम कैसे दिख रहा है? बोले साहब वो ऊपर से निर्देश है। हमने कहा किसी का भी निर्देश हो, आप पूरे कमरे को आप CCTV से कवर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाथरूम में कैसे CCTV लगा सकते हैं? तो आप यकीन नहीं करेंगे कि 4 दिन के बाद फिर वो उन्होंने भेजा किसी को, और उसका डायरेक्टर साकेत जी ने मुझे बताया कि इनको कहा गया कि आप BJP ज्वाइन कर लो, इतना पैसा ले लो। तो अपनी बात तो आप मत कीजिए, जो आपके जो बाकी लीडरान हैं जो जेल में हैं उनको क्या ऐसा दिया गया? देखिए दिलासा, देखिए मनीष जी ने एक बार बाहर निकल के ये बात बोली भी थी, और सबके पास ये लोग जाते हैं, अगर किसी के ऊपर केस होता है तो उसको इस तरह का दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे एक मिनिस्टर, उन्होंने इस्तीफा भी दिया, राजकुमार आनंद ने। अब इस समय हम लोगों को थोड़ा मजबूती से तो खड़े होना पड़ेगा, डरने से काम नहीं होगा सर, क्योंकि कोई पट्टा लिखा के तो इस धरती पर पैदा नहीं हुआ है, हर आदमी को इस दुनिया से जाना है। तो आपको ये तय करना होगा कि भाई इन तानाशाहों के आगे आप झुक के रहोगे या लड़ के जिंदा रहोगे। तो मुझे तो ठीक लगता है कि भाई लड़ के ही जिंदा रहना चाहिए, और ऐसे बदनामी कराने से और इनके आगे झुकने से कोई फायदा नहीं। आप कुछ कहने वाले थे जब ये? हाँ जी सर, ये कह रहे हैं 100% आई एग्री विद हिम, क्योंकि अगर नहीं हारेंगे तो हमने हाथ नहीं टेके, हमें छोड़ना तो पड़ा उन्हें। लेकिन दूसरी दिक्कत ये है सर, काफ़ी इसमें और हमारे इसमें भी कोशिश की, आपके इसमें भी की होगी पता नहीं, ये फैमिली के पीछे जाते हैं, और काफ़ी बार बहुत लोगों का वीक पॉइंट वहाँ होता है। आप कहेंगे कि मुझे जो चाहिए वो कर लो, लेकिन जब आपके परिवार के पीछे जाते हैं तब दिक्कत हो जाती है, बिकॉज हाउ आर यू गोइंग टू प्रोटेक्ट देम। एंड सेकेंड थिंग सर इज, आप विपक्ष के लिए जो ऑप्शन की बात कह रहे थे, इलेक्शन कमीशन प्रॉब्लम, पार्लियामेंट में प्रॉब्लम सब, लेकिन एक होप, कोई भी इंसान जब जेल के अंदर होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, वहां पर एक सिर्फ होप होता है कि हमें जुडिशरी से न्याय मिलेगा। जब वो मिलना सर बंद हो जाता है तो सच में इंसान कहां जाए? यू लूज होप। बट आई हैव अ क्वेश्चन, माय क्वेश्चन इज कि ये जो लोग हैं जो अभी ब्यूरोक्रेसी में इतना, आई हेट टू से द वर्ड, पर एक नंगा नाच दिख रहा है, कि आपकी जिम्मेदारी देश के प्रति है। आप जब ओथ लेते हैं ब्यूरोक्रेसी में भी, और जो भी रोल आप निभा रहे हैं, ओथ लेते हैं देश को सर्व करने के लिए, ना कि सरकार को सर्व करने के लिए। बट कितनी बार हुआ है कि जो लोग एक्विट हुए गए, चार्जेस लगा दिए, जैसे संजय राउत जी का हुआ कि कहा कि सिविल केस को क्रिमिनल केस किया, तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं करी जानी चाहिए जिन्होंने जबरदस्ती उनको जेल में इतने महीने रखा? नहीं, वो तो सैंक्शन देगी, सरकार का भी सैंक्शन ही नहीं देगी। हाँ वही, यही दिक्कत है कि आज अगर हमें देश को ऊपर रखना है, हमें इस पर इस, अब जैसे सर दिल्ली का लीकर केस है, पिछले 2 साल से मीडिया में कम से कम 1000 स्टोरीज पे हुई होंगी, हजारों स्टोरी हुई होंगी, गिनती नहीं कर सकते आप कितने प्राइम टाइम डिबेट्स हुए इसके ऊपर। ये केस क्या है? ED CBI ने 456 गवाह तैयार किए। आपसे मैं जानता हूँ, आप देश के और दुनिया के बेहतरीन वकीलों में से एक हैं,
आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये केस कितने दिनों में खत्म होगा, और जो आपके दर्शक हैं वो भी जानना बहुत उनके लिए भी जरूरी है। कई सरकारें चले जाएंगी, 456 तो गवाह है सर इसमें, और 50,000 पन्ने की चार सीट है सर इसमें, और 20,000 पन्ने उन्होंने अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में डाल रखे हैं, 700 सम्मन इसमें किए हैं। मैं अपने केस के बारे में बोल नहीं सकता, लेकिन आप पता कर लीजिएगा कि मेरे केस में क्या किया इन्होंने। अरविंद केजरीवाल जी जिनको, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जिनको अंदर किया हुआ है इन्होंने, 456 में से चार लोगों ने उनका नाम लिया है। एक है मंगुट्टा रेड्डी, एक है राघव रेड्डी, एक है शरद रेड्डी, एक है सी अरविंद। जो मंगुट्टा रेड्डी और राघव रेड्डी हैं, इनको 5 महीने जेल में रखा जाता है, इसके बेटे को, मंगुट्टा रेड्डी के बेटे को 8 महीने बयान, और उसने 10 बयान दिए, दोनों बाप बेटे ने मिले। 8 बयानों में केजरीवाल का नाम नहीं है। जैसे ही केजरीवाल का नाम लेते हैं बेल मिल जाती है, 12 स्टेटमेंट शरद उन्हीं को बेल मिल जाती है, बेल मिल जाती है बेटे को, राघव रेड्डी को 12 स्टेटमेंट शरद रेड्डी के होते हैं सर, 10 स्टेटमेंट में केजरीवाल का नाम नहीं लेता, 2 स्टेटमेंट में नाम लेता है, फिर उसकी बेल हो जाती है। सी अरविंद कहता है मैंने अपने मिनिस्टर को एक डॉक्यूमेंट दिया, मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे। एक सेक्रेटरी अपने मिनिस्टर को क्या डॉक्यूमेंट दे रहा है, चीफ मिनिस्टर वहां सामने बैठा, ये क्या घोटाला है, इसमें क्या हो गया? ये तो इतना सीरियस केस बना तो दिया। मैं सर कही कह रहा हूं कि इस केस का ना कोई अच्छा। दूसरी बात, आप कहते हैं 1,000 करोड़ का घोटाला हो गया, फिर कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला हो गया, फिर कहते हैं 45 करोड़ का घोटाला हो गया, फिर बात ही 100 करोड़ की थी, इनके आरोप तो यही है ना 100 करोड़। फिर कभी आता है 338 करोड़ का हो गया, कोई कहता है 350। तो ये पैसे सर, इतने बड़े बड़े अमाउंट जब ये लोग बोलते हैं, 3 रुपए भी कहीं से बरामद कर पाए क्या भाई? आप वो तो कैसे आपने बरामद करेंगे, आपने छुपा लिए, आपने कोई आपने खर्च कर दिया बरामद, तो इसका तो क्या मतलब? अगर मैं आज कहूं कि भाई मैंने 50 करोड़ रुपए अमित शाह जी को चंदा दिया और उन्होंने उसको चुनाव में खर्च कर दिया, देखिए पर इनके पास तो तथ्य है, इनको कितने 35 करोड़ मिले अरबिंदो फार्मा से, नहीं इलेक्ट्रिक वो बीजेपी को, हाँ, वो बीजेपी 6 करोड़ रुपए उसका मनी ट्रेल एक्चुअली जो 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 अगर आप देखेंगे लिकर पॉलिसी में करप्शन की बात अगर आप देखेंगे सर, तो ईडी की जब इंक्वायरी शुरू होती है, शरद रेड्डी जेल में होता है, 10 नवंबर को उसकी अरेस्ट होती है 2022 में, और 15 नवंबर को वो 5 करोड़ रुपए बीजेपी को रिश्वत देता है, बेचारों के पास पैसे नहीं आजकल, और अपनी रिहाई तक इलेक्ट्रल बॉन्ड अब और नहीं ले नहीं सकते, अपनी रिहाई तक 55 करोड़ रुपए उसने बीजेपी को चंदा दिया, 5 करोड़ रुपए पहले दिया हुआ था। तो यहाँ तो मनी ट्रेल साफ तौर से दिख रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर चुका है। कोई जरूरत नहीं है, यहाँ कोई स्पेशल जज बेल नहीं देता, नहीं देते, हाई कोर्ट में बेल नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं जब तक वहाँ से नहीं आएगी तब तक हम कुछ डिसीजन नहीं लेंगे। और ये तो मैं रोज़ के रोज़ केस में देख रहा हूँ, तो ये तो बहुत इतना ज़्यादा अन्याय तो मैं समझता हूँ कि किसी भी लोकतंत्र देश में आज तक मैंने नहीं देखा सर गुजरात में। लेकिन इस रिजेक्शन सर आप जैसे सेक्शन 50 का जो स्टेटमेंट है, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कि भाई सेक्शन 50 के स्टेटमेंट छिपाते क्यों हैं आप? अगर सेक्शन 50 में जो भी स्टेटमेंट लेते हैं हम लोगों को पहले बताते हैं भाई इसमें झूठ बोला आपने, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। सेक्शन 50 में आपने स्टेटमेंट लिया 10 स्टेटमेंट, 8 आपने छिपा लिया जिसमें केजरीवाल का नाम, वो तो उनको डिस्क्रेशन है ना कि 8 छिपा ले और 2 रिलाय ऑन कर दें, रिलाय अपॉन कर, इसका मतलब जो 8 उसने, अरे भैया आप अदालत को देखना चाहिए ना, पर इस अदालत को ही नजरअंदाज कर दे तो हम क्या करें सर? मेरा एक सवाल है, बिकॉज यू आर अमंग द टॉप मोस्ट लॉयर्स इन द वर्ल्ड, जब मुझे समझ दिया था वहाँ नीचे लिखा होता है स्टेटमेंट गिवन टू ईडी अंडर सेक्शन 50 पीएमएलए शुड बी ट्रीटेड एज अ स्टेटमेंट जुडिशियल स्टेटमेंट अंडर ओथ 164। वो हमें अरेस्ट कर रहे हैं, करेक्ट, दैट इज द प्रोसिक्यूशन एजेंसी, लेकिन स्टेटमेंट देते समय दे आर अ जुडिशियल बॉडी, तो ये तो मेरा राइट टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन नॉट सेल्फ। विजय मदनलाल चौधरी में जस्टिस खानविलर के बेंच का जजमेंट यही तो कहता है कि दिस इज एडमिसिबल, एवरीथिंग इज फाइन। अब उस पर हम रिव्यू डाले हैं, सुप्रीम कोर्ट सुनता नहीं है, वो बात छोड़ो। एक गंभीर बात मैं आपसे जी सर सबकी राय लेना चाहता हूँ। जब एमपी एमएलए की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि तुरंत स्पेशल जज अपॉइंट होने चाहिए, स्पेशल कोर्ट्स होने चाहिए और डे टू डे ट्रायल होना चाहिए, कहती है ना। जब वही सांसद जिसको पकड़ा जाता है रिहा लेने जाता है तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट क्यों नहीं? नहीं, वही आप मुझे बताइए।
ठीक बात है सर। और उसके लिए अगर आप याचिका डालो कि मुझे बेल चाहिए तो ईडी कहेगी 2 हफ्ते का टाइम दीजिए, टाइम दीजिए, ठीक है ना, 2 हफ्ते का टाइम। फिर जज कहेगा कि 2 हफ्ते के बाद सुनूंगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद बहस होगी, फिर 2 हफ्ते में जजमेंट देगा, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में फिर 2 हफ्ते का टाइम मांगेंगे। लेकिन सर 2 हफ्ते कभी नहीं होता है, लेकिन इसके सर दो पहलू, 2 महीने लग जाते हैं। इसके सर दो पहलू, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर आप बीजेपी के साथ मिल जाते हैं तो फिर फाइल गुम हो जाती है सर। छगन भुजबल की फाइल गुम हो गई, अजीत पवार को क्लीन चिट मिल गई, उनकी हेमंत विश्व शर्मा का वाटर घोटाला। लोकतंत्र में तो ऐसा होता ही है। ये तो क्लियर कट दिख रहा है ना सर। बट इस जो मैंने सवाल उठाया है, इसकी क्या राय है आपकी कि अगर आप, अगर कोर्ट कहती है कि भैया डे टू डे ट्रायल होना चाहिए तो डे टू डे हियरिंग तो होनी चाहिए जब बेल के लिए, जब बेल के लिए, वो क्यों नहीं करते आप? वो उसको क्यों नहीं लागू करते? स्पेशल कोर्ट क्यों नहीं बनाते आप बेल के लिए? उस समय तो आप नॉर्मल कोर्ट में आपको जाना पड़ता है, एक एक महीने की डेट पड़ती है। एग्जैक्टली, वो क्यों? और सुप्रीम कोर्ट ये बात मानती क्यों है? और एक और जी, मैंने ये पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन डाला था कि कितने केसेस पॉलिटिकली, जो पॉलिटिकली अफिलिएटेड केसेस हैं, 97% केसेस वो ऑन ऑपोजिशन, और प्रॉपर्टीज अटैच कर लिए हैं आपने, एसेट्स अटैच कर लिए हैं, कन्विक्शन नहीं हो रहा है तो वो आपके पास पड़े हुए हैं, कन्विक्शन है नहीं, कन्विक्शन इज ऑन द बेस ऑफ कौन हमारी साइड आ रहा है, वैक्यूम क्लीनर हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। 97% ऑपोजिशन पे, 3% आर पीपल हु लेफ्ट द ऑपोजिशन एंड जॉइंड द बीजेपी, वरना 100% होता। मैं आपको देखो अपनी बात ही बताता हूँ, मैं हेमंत कसोरेन का वकील हूँ, तो हम सुप्रीम कोर्ट गए 31 जनवरी 2024 में अरेस्ट हुए, हम सुप्रीम कोर्ट में, मेरे ख्याल 4 अप्रैल में हमने याचिका डाली या 2 अप्रैल में, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई की, सुनवाई की, बोले कि आप हाई कोर्ट जाइए। तो हमने कहा साहब हाई कोर्ट में हमें कुछ राहत नहीं मिलेगी, बोले नहीं आप जाइए, 32 में हम एंटरटेन नहीं करेंगे, हम हाई कोर्ट चले गए। ऐसे ही हुआ कि हाई कोर्ट ने कहा कि 2 हफ्ते 1 हफ्ते की डेट दी कोई अमेंडमेंट एप्लीकेशन की, फिर कहा कि हम 27 फरवरी को सुनेंगे, मतलब कि फरवरी में हमने शुरू में चले गए, 4 फरवरी या 5 फरवरी, और 27 फरवरी की बहस हुई, 27-28 फरवरी हमने बहस कर दी। 28 फरवरी से आज तक उस जज ने फैसला नहीं दिया, 2 महीने हो गए। I think you'll move the Supreme Court today. मैं केवल एक आपको बता रहा हूँ हो क्या रहा है इस देश में। सर आपको एक और चीज़, अच्छा होगा क्या? अच्छा अब जो जो क्लाइंट है वो डरता है कि मैं अगर जज के बारे में बोलूंगा कि आपने, अच्छा मैं जज के पास गया, मैंने कहा साहब आपने जजमेंट नहीं, जजमेंट दे दीजिए, जज ने कहा आप इंतजार कीजिए, ठीक है। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट आया, अब क्या जो जो क्लाइंट है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहता, क्योंकि अगर वो कहेगा कि जज जजमेंट नहीं देता तो जज वैसे वो सोचता है कि मेरे खिलाफ ही जजमेंट हो जाएगी, वो भी डरता है। सही बात, तो ना इधर का ना उधर का। अब हमने खैर हमने बोल दिया, अब जजमेंट खिलाफ, अस्यूमिंग हमारी जजमेंट खिलाफ होती है, अगर होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा, इतनी देर में इलेक्शन खत्म हो जाएगा। अब ये मुद्दा सबसे बड़ा है कि इलेक्शन के दौरान जब आपके लीडरान लोग, लीडर लोग, मतलब पार्टी के लीडर, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे सोरेन हो, चाहे वो कोई और भी हो, चाहे महाराष्ट्र में ऐसे लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, अगर उनको आप जेल में रखोगे और उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दोगे इलेक्शन के इलेक्शन में, तो वो लोकतंत्र का कौन सी आसा पहलू? नहीं, आपसे एक और सवाल मैं पूछूंगी, क्योंकि आप वो केस लड़ रहे थे महाराष्ट्र में जब फ्लो टेस्ट हो रहा था, हमने वो फ्लो टेस्ट को रोकने के लिए हमने अर्जी दी थी, फिर कल रेट्रोस्पेक्ट में करेंगे, तो पॉइंट ये अब कहते हैं क्योंकि आपने उस समय इस्तीफा दे दिया इसलिए वी कैन नॉट, आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन द जुडिशरी, बट आई समहाउ फील दैट दैट्स द लास्ट होप फॉर एन इंडियन सिटीजन राइट नाउ। दो इंस्टीट्यूशन है जो लास्ट होप है अकॉर्डिंग टू मी, एक तो आपकी मीडिया, और दूसरी आपकी जुडिशरी, और बाकी जो है कोई ऑपोजिशन को स्पेस रही नहीं, पार्लियामेंट में कोई आपको सुनता नहीं है, कई और कोई सुनवाई होती नहीं, तो क्या किया जाए? सर जो जो अभी मतलब जो आपने कहा कि चुनाव के समय में लीडर्स को अंदर डाल दिया, उसके दो सबसे बड़े उदाहरण है, एक तो हेमंत सोरेन जी को डाल दिया, एक अरविंद जी को, अरविंद केजरीवाल जी को डाल दिया, बीच चुनाव के अंदर आपने उठा के जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया लगभग 1.5 साल से वो जेल में पड़े हुए हैं, सत्येन जैन की उन्होंने जो बेल कंडीशन थी इंटरिम बेल की उसको कहीं से कोई वायलेशन नहीं किया, बावजूद इसके उनको दोबारा जेल में डाल दिया,
मुझे बड़ी मुश्किल से 6 महीने के बाद 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बेल दिया। अब इससे जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, कांग्रेस पार्टी के सारे अकाउंट, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दिए कांग्रेस पार्टी। सर वर्धा में मैं अनिल देशमुख जी से मिला, 171 रेड्स, 171 छापे उसके घर पे मारे गए और कुछ नहीं मिला, 14 महीने के बाद छूट के बाहर। मैं नहीं छुटवाया तो मैं आपको केस को पता होगा, वो जो बात बता रहे थे वो मतलब आप सुनेंगे बड़ा, मतलब आपको पता ही होगा कि उनकी कोई 6 साल की पौत्री थी, उनकी बेटे की बच्ची, तो उसको एक पुलिस की जो ईडी की जो अधिकारी थी महिला, वो कहती थी फोटो दिखा के कि ये अंकल आए थे बेटा घर पे, ये आए थे तुम्हारे, ऐसे आए थे, ये इन्वेस्टिगेशन कर रही ईडी, ये तो सीधा सीधा अत्याचार है सर। अत्याचार तो है बट खुलेआम अत्याचार, सुनवाई कहाँ हो ये बताइए। तो अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को 23 दिन लग गया इंसुलिन पाने में, 23 दिन। इंसुलिन नहीं देते थे, उसी की तो लड़ाई लड़ी है, उसी की लड़ाई 23 दिन तक लड़ी हम लोगों ने, कोर्ट में एप्लीकेशन डाली, एम्स के डॉक्टरों का पैनल बना, वो तो तब उनको 23 दिन तो बड़े आराम से आम खा रहे थे वहाँ। अच्छा इसकी भी कहानी जानना जरूरी है, मुझे तो 48 मिल गए अल्फोंसो थे या बता, कोई और था? बता देता वो अक्षय कुमार पूछ रहे हैं, आज के रात में चूस के गाते हैं, आपको बता देता हूँ सर, आपके जो सुनने वाले लोग हैं वो भी जानने, 48 मील गई सर उनकी, और सारी मील चेक होके जाती थी अंदर, बगैर चेक किए तो जेल के अथॉरिटी, बगैर चेक किए तो कोई सामान अंदर भेजते नहीं, इसका मतलब जो प्रेस्क्राइब था उसके अलावा कुछ गया नहीं उनके कोर्ट के ऑर्डर में। और मैं लेके आया नहीं, नहीं तो मैं दिखा देता आपको, अप्री लेक को जो जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को भेजा गया, उस कोर्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है इनको ग्लूकोज, बनाना, टॉफी, जब भी शुगर लेवल डाउन होगा इनको उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि शुगर के पेशेंट का कभी हाई होता है कभी डाउन होता है। तो एक बार उन्होंने पूड़ी और आलू खाया, वो भी जब व्रत ये नवरात्रे का शुरू हुआ तो प्रसाद के तौर पर, और कुल 2 या 3 बार उनको आम गए। ये तो नेशनल, अब इसने 48 मील में, ये नेशनल न्यूज है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, यहाँ पे 5 लाख लोग इकट्ठा हुए, बड़े बड़े नेशनल न्यूज पेपर हेडलाइन, बिल्कुल ठीक कहा सर, ये केजरीवाल जी अपना आम खा रहे हैं, 5 लाख लोग यहाँ पे ओल्ड पेंशन के लिए आए दिल्ली के अंदर, वो किसी नेशनल न्यूज में नहीं आया, नहीं, आम और पूरी नेशनल न्यूज थी। और इंसुलिन नहीं मिली 23 दिन के बाद, वही तिहाड़ प्रशासन जब कोर्ट का ऑर्डर होता है, जैसे ही एम्स का पैनल बनता है दूसरे दिन उनको इंसुलिन दे रहे हैं। तो आप एक किस तरीके का षड्यंत्र करके क्या साबित करना चाह रहे हैं सर? एक और चीज है, ये आलू का जो कह रहे हैं ना, हम लोगों को तो आलू ही मिलती थी दोनों जेल में, वही सर, आप किसी भी जेल में जाइए गुजरात में, हमें हर खाना फॉर 6 मंथ्स एक दिन या एक मील ऐसा नहीं है जहां पे आलू ना आया हो, क्योंकि ये जो बजट का कह रहे थे 402 या 405 रुपया, सर उसमें से कैदी पे 100 रुपया खर्च होता है सिर्फ, बाकी 300 जिनकी जेब में जाना है वहां जाता है, रोज आलू आते हैं। आई एम ऑल्सो डायबिटिक सर, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है, एक तो वो आलू छिड़के हुए मसाला छिड़के हुए सब्जी खाओ या भूखे रहो, फ्रूट्स आपको खाने हैं जो जेल के कैंटीन में मिलते हैं वही आप खा सकते हैं, आपको बाहर से तो अलाउड नहीं सर। वहां पे खाने की वजह से आपको जुनून हो जाता है, क्योंकि आप एक बंद रूम में रखे हुए हो लोगों के साथ में, खाना इज द ओनली थिंग जिसमें थोड़ी वैरायटी होती है दिन में, अदरवाइज योर डे लुक्स एग्जैक्टली द सेम फ्रॉम वन डे टू अनदर। आलू सोयाबीन, आलू मटर, आलू बैगन, आलू लौकी, आलू चना, हर चीज में आलू, हर चीज में आलू सर, सस्ता। ये तो कंसिस्टेंसी है यही हुआ ना। लेकिन देखिए आपके यहाँ भी वेस्ट बंगाल में मुझे मालूम है जिस तरह से CBI रोज के रोज, जब आपकी स्टेट ने कंसेंट भी विड्रॉ कर ली yes, sir. तब भी वहाँ चल रहा है, और ED रोज के रोज, मतलब कि जहाँ लगता है कि जहाँ विपक्ष के नेता ताकतवर हैं हाँ वहाँ ED को ED. ये पीछे इनका एक तपस राय इनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उसके घर पे ED के छापे पड़े, अभी वो BJP के टिकट से लड़ रहा है। लेकिन एक बात इसमें सर कहनी है मुझे, ये जो ED CBI के छापे पड़ते हैं, जैसे मैंने कहा विपक्ष के पास क्या चाह रहा है, हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, कोर्ट केसेस स्टेट पुलिस से लेके CBI ED को हैंडओवर कर देती है, और इस बार के बंगाल इलेक्शंस में
एक सिटिंग हाई कोर्ट जज ने कहा कि बीजेपी अप्रोच्ड मी व्हेन आई वाज अ जज, उन्होंने रिजाइन करके आज वो बीजेपी के कैंडिडेट है सिटिंग हाई कोर्ट जज, जिन्होंने स्टेट के केसेस हैंडओवर किए सीबीआईडी को, वो जज आज बीजेपी के कैंडिडेट है, आर्मी चीफ है, फॉर्मर चीफ जस्टिस है, दिस इज अ जज हु हैंडेड ओवर केसेस, इट इज सो अनफॉर्चुनेट, देयर इज नो कूलिंग ऑफ पीरियड आल्सो नाउ, सो जो आप उस पोजीशन पे आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं दैट मींस दे आर क्लियरली इन्फ्लुएंस्ड. I think that sitting judge went after Abhishek Banerjee, right? He transferred all of Abhishek Banerjee's cases to CBI, ED, the school case, everything, and he's a BJP candidate now. And sir, Vijay Madanlal ki apne baat ki. CBI ko direct karte the wo jab case lagta tha unke. Haan, haan. CBI ko direct karke ki aap 1 baje ya 12 baje yahan aa jaiye. Exactly. Aur time nahi dete the appeal karne ka, order pass kar dete the aur handover kar dete the CBI ko. Ye baatein humne Supreme Court mein kai baar rakhi. Ye review nahi hoti sir, lekin cases unke. रिव्यू कैसे हो, क्योंकि ऐसा है ना कि सुप्रीम कोर्ट को किसी जज के खिलाफ कोई बात करना ये भी तो गलत है ना, क्योंकि जुडिशरी देखिए जुडिशरी एक ऐसी संस्था है जहां लोगों का विश्वास आज भी है, आज भी है, इसलिए है क्योंकि दैट इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ लास्ट होप, लास्ट, वहां से विश्वास उठ गया तो कुछ नहीं रहेगा, तो हम भी कभी नहीं चाहते कि जुडिशरी के खिलाफ हम बस कहें, लेकिन जो सच्चाई है वो तो देश के सामने आनी चाहिए, अगर देश के सामने नहीं आएगी तो बदलाव भी नहीं होगा. आज हम प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि जो वास्तविकता है वो देश के सामने आनी चाहिए. लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी तो प्रधानमंत्री जी बदल दे रहे हैं. दिल्ली के मामले में 5 जजों का फैसला आया कि साहब सर्विसेज हमारे पास होनी चाहिए, उसको पार्लियामेंट में बदल दिया. इलेक्शन कमीशन के मामले में आया कि चीफ जस्टिस उस कमेटी में होंगे, उसको पार्लियामेंट में बदल दिया. इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए अंतिम तक ये लोग लड़ते रहे कि नाम सामने ना लाया जाए. इलेक्टोरल बॉन्ड को आज भी प्राइम मिनिस्टर खुलेआम डिफेंड कर रहे हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. विल ब्रिंग इट बैक. वो तो उन्होंने कहा कि आपसे चर्चा करके. आप चर्चा का मतलब नहीं मालूम मुझे तो, आज तक तो मैंने देखी नहीं कोई चर्चा. तो पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करते, आपको पता है बाहर क्या करेंगे. तभी तो 400 सीट मांग रहे हैं कि हम करेंगे जो मनमानी करनी है, हमें संविधान बदलना है, हमें रिजर्वेशन हटाना है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है, रिजर्वेशन हटाना है, वोटिंग राइट्स छीनना है. और अभी सूरत उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. हाँ. सूरत में बगैर इलेक्शन के बीजेपी जीत गई वहां पे. यही करेंगे देश में. आपका मेयर चंडीगढ़ का मेयर, चंडीगढ़ का आपकी याद करो ना, चंडीगढ़ जरा बता दो. खुलेआम उसकी वोट काट के और उसके खिलाफ भी आज तक दिन कुछ नहीं हुआ. कुछ नहीं, जिस उसके पास, इसके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई. खुलेआम आप अंडरमाइन कर रहे हो डेमोक्रेसी को. मुझे तो लगा है पुतिन स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी होगी. अजीबोगरीब चुनाव भी है, चुनाव नहीं भी है. नहीं, उस चुनाव का कोई मतलब होगा नहीं, मतलब ही नहीं है. बस खाली फॉर्म भरना होगा और सर्टिफिकेट लेना होगा. नहीं, बढ़िया बताइए ये जो सूरत में जो हुआ ये तो अजीबोगरीब वाक्य है. बहुत ही अजीबोगरीब सर. मान लीजिए कांग्रेस का नॉमिनेशन कैंसिल भी हो गया एक मिनट के लिए, मैंने मान लिया, क्या बाकी कोई भी कैंडिडेट नहीं था, बाकियों के कैसे विड्रॉ हो गए? और जो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट भी था, जो डमी कैंडिडेट्स कहते हैं, उसका भी रिजेक्ट किया. सबसे पहली बात तो ये कि अगर कोई प्रपोजर आके कहता है कि मेरे सिग्नेचर नहीं है, ठीक है, तो और एफिडेविट देता है, वो एफिडेविट सच है या नहीं ये कौन फैसला करेगा? एफिडेविट किसने ऑथराइज किया? बीजेपी के लीगल सेल के हैं. मैं कह रहा हूँ ना कि वो एफिडेविट सही है या नहीं. करेक्ट. ये रिटर्निंग ऑफिसर तो नहीं कर सकता फैसला. करेक्ट. एग्जैक्टली. तो वो कैसे उसने मान लिया कि एफिडेविट ये सही है? करेक्ट सर. उसके तो कोई आधार कुछ नहीं सर, अथॉरिटी ही नहीं है. तो ये अगेन ये भी एक षड्यंत्र है, ये भी एक कंस्पिरेसी है. इफ यू ऑल्सो सी महुआ मोइत्रा का जो सस्पेंशन हुआ, जो नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस होता है, उसको सुना ही नहीं. डिस्क्वालिफिकेशन रादर, सुना ही नहीं. ऐसा है ना कि ये अंतर्यामी, इनको जरूरत नहीं है सुनने की किसी. भाई आपको चेयरमैन आपके साथ नहीं सुनते, सुनते. प्रधानमंत्री जी नहीं सुनते, भाजपा नहीं सुनती, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं सुनता, कोर्ट सेक्टर नहीं सुनती, कोर्ट सेक्टर नहीं सुनती, सीईसी नहीं, अभी इलेक्शन कमीशन नहीं सुनती. तो ऐसा है ना कि इनके राज में सुनवाई की कोई जगह नहीं. 75 साल की आजादी में सर 150 एमपी तो कभी सस्पेंड नहीं. 150 मैं वही पूछने वाला था सर. आप तो सीनियर, सबसे सीनियर पार्लियामेंट्री. 75 साल की आजादी में एक सेशन 146 एक सेशन में सर. इनको रिकॉर्ड बनाना होता है ना. हाँ. रिकॉर्ड बना रहे हैं. फर्स्ट टाइम एवर सब बड़ा हो रहा है. हाँ. मोदी जी के राज में. मोदी जी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी. बट लेकिन एक बात पे मुझे अफसोस है कि आपका जो इंडिया अलायंस है वो इकट्ठा नहीं हो पाया, क्योंकि अगर इकट्ठा होकर आप सक्सेस तरीके से चुनाव लड़ते तो शायद हमें और फायदा होता.
सर ताली एक हाथ से कहाँ बच सकती है? नहीं लेकिन सर काफी हद तक हुआ है, ऐसा नहीं जैसे मैं महाराष्ट्र हो रहा है सर, उस लेवल पे तो है आपके लोकल लेवल पे तो चल रहा है, बिहार में भी हुआ है, अच्छा चल रहा है बिहार में। दिस इज समथिंग दैट इवन जब इंडिया लाइंस की मीटिंग्स होती थी ना, हम यही कहते थे कि दिल्ली में बैठकर ये निर्णय नहीं ले जाएंगे, हर राज्य में आप लोग ये निर्णय लीजिए। वो थोड़ा बहुत हो रहा है, दिल्ली में हो गया, दिल्ली में हुआ, दिल्ली में बैठकर यानी द सेंट्रल, पंजाब में भी हो रहा है, द सेंट्रल कांग्रेस ऑफिस कैन नॉट डिसाइड द स्टेट अलायंसेस, राइट? सो लेट द स्टेट कम फॉरवर्ड एंड से हाउ मेनी सीट्स दे कैन रन ऑन, बट अनफॉर्चूनेटली देयर वाज अ कोऑर्डिनेशन गैप बिकॉज़ ऑफ दीस असेंबली इलेक्शंस And we saw the outcome. और पहले फेज के बाद प्रधानमंत्री जी की भाषा इस बात का संकेत है कि बीजेपी के लिए सब कुछ अच्छा नहीं है. Not all is well. सर दूसरा इंडिया अलायंस की एक और बात जो लोगों को बतानी चाहिए is this is a lasting alliance. ये सिर्फ 4 जून तक की अलायंस नहीं है, ये पोस्ट पोल के बाद भी अलायंस नहीं, पोस्ट 4 जून के बाद हम सरकार बना रहे हैं, बना रहे हैं क्योंकि जनता वो चाह रही है. आपको आज बोला ना उन्होंने, आज आपने नहीं सुना, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा तो प्रधानमंत्री की कुर्सी का ऑक्शन करेंगे. मैंने कहा पहली बात तो इन्होंने मान लिया कि प्रधानमंत्री कि इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा, फिर ऑक्शन कौन कर रहा भाई है? ऑक्शन तो कर ही नहीं सकते, हमारे पास तो इलेक्ट्रल बॉन्ड को पैसा ही नहीं है. ऑक्शन तो हमारे प्रधानमंत्री खुद हो चुके हैं. 15 लाख करोड़ रुपए आप पूंजीपतियों का माफ कर रहे हो, 3.5 लाख करोड़ रुपए बैंक सेटलमेंट के जरिए आप माफ कर रहे हो. आपने जिस तरीके से देश के संसाधन चंद लोगों को दिया तो आपने तो उस पोस्ट को ऑक्शन कर दिया. तो आपके हिसाब से चाहे कुछ भी हो, चाहे मतलब कि जगह ना भी हो विपक्ष की, लेकिन फिर भी आज की स्थिति ऐसी है कि भाजपा लगती है कि हार उसके सामने. डर है, डर तो रहे. मैं बंगाल का कह सकता हूँ, मैं बंगाल का कह सकता हूँ सर आपको, बंगाल का कह सकती हैं, वो महाराष्ट्र का कह सकती हैं, वो दिल्ली का कह सकते हैं, मैं बिहार का कह सकता हूँ. चलिए इसी इसी बात के साथ हम ये चर्चा खत्म करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू, दिस वाज फन.